गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग कैसे हो? आज कन्या पूजन है, आज हमने कन्या पूजन किया है और हम चाहते हैं कि आप लोग को भी दिखाएं कन्या पूजन का, लेकिन अभी हम दिखा नहीं पा रहे क्योंकि मेरी बेटी खुद ही कन्या खाने गई है, तो इसलिए हम फ़ोन ऑन नहीं कर पा रहे उसको और ना उससे मेरा कॉन्टैक्ट कर पा, तो मैं कैसे उसको बुलाऊँ और किस तरीके से हम उसको कन्या पूजन के लिए वीडियो बनाए, तो मैंने अकेले ही वीडियो बनाया है। और कन्या पूजन अभी हमारे घर में हवन हुआ, हवन करने के बाद अभी देखे मैं टीका उका लगा हुआ है, अब जा रहे कन्या पूजन करने। कन्या लोग अभी 9 कन्या आएंगी और 9 कन्याओं को खाना खिलाएंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे, उन लोग गिफ्ट देंगे, उनको माता रानी का सब भोग लगाएंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे और आप लोग को हम दिखाएंगे वो सब चीज़ें, आप लोग भी देखिएगा। लेकिन गाय सब एक ही चीज़, तो मेरी बेटी नहीं है, अगर बेटी रहती तो मैं करती तो वो बना के वीडियो डालती, लेकिन मैं ना ऐसे ही आपको फ़ोटो खींच के अपलोड कर दूँगी, नहीं तो रील्स बना के अपलोड कर दूँगी, क्योंकि ब्लॉग में नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि ब्लॉग हमको बोलना पड़ता है और वो क्या है, गई है कन्या खाने, वो है नहीं तो हम उसी से बनवा के और अपलोड कर देते। और गाय आप लोग के घर में पूजा हो गया, आप लोग प्लीज़ कॉमेंट जरूर करके बताइएगा आप लोग के घर में पूजा हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ बताइएगा। मेरे घर में तो बहुत अच्छा लगा पूजा, इतना अच्छा कि आपसे क्या बताएं। अभी हवन किए और पूरी खीर और चना की सब्जी सब बना के और कन्या लोग को खिलाना है हमको, तो सब कुछ बना उना लिए हैं, बट अब एक ही चीज़ रह गया कि कन्या नोट हुआएंगे, उन लोग का पैर वैर धुलेंगे, उन लोग को खिलाएँगे पिलाएँगे, उनको प्यार से आदर सम्मान से माता रानी का भोग देंगे और उनको विदाई करेंगे, तो हम मेरा पूजा कंप्लीट होगा। तो पूजा जब कंप्लीट होगा गाइस, तभी हम आपको कुछ खा सकते हैं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं खा सकते, कल के बाद ही हम कुछ खा सकते हैं, आज अभी कुछ नहीं खाएंगे, तो आज का अभी कुछ भी ऐसा नहीं है और ना अभी हमने ऐसा कुछ अभी बनाया ही है, तो अभी फिलहाल कल हम लोग का भोग, कल पूजा कंप्लीट होगा, आज नहीं कंप्लीट हुआ। पंडाल में मूर्ति जहाँ देवी माँ का मूर्ति था वहाँ सब खिलाया गया है, सब पूरा ताम झाम सब कुछ हुआ है, तो सब अभी देखे पंडाल में हम देख रहे हैं, सब कोई खा पी लिया है, तो यहाँ मेरा कैमरा लगा हुआ है तो जिससे वहाँ का सीन दिख रहा है, तो मैं वहीं से देख बता रही हूँ। बाकी गाइस इतना अच्छा 9 दिन बीता है ना कि हम लोग बता ही नहीं सकते, मतलब टू गुड कहना चाहिए, टू गुड। माता रानी कब आई कब जा रही है कुछ नहीं पता, 9 दिन हम लोग का थोड़ा सा वीक लगा, लेकिन कोई नहीं, हम लोग को ठीक है, माता रानी खुश हो के हमारे घर से जाएं और हम उनका विदाई करें, बस इससे ज़्यादा और कुछ क्या मिले। एक साल माता रानी सबका अच्छे से बनाए रखें, 9 दिन वाले उनका सब कुछ, माता रानी से यही दुआ करेंगे कि सब कुछ बढ़िया बनाए और सब कुछ बढ़िया से करें। बाकी हम बस इतना कहेंगे कि आप लोग अपना सब कुछ सम्मान इज्जत सब कुछ दीजिए, सब कुछ करिए और हम क्या ही बोल सकते हैं। बाकी हमारा ब्लॉग देखते रहिए और हमको सपोर्ट आप लोग करते रहिए, जैसे कि आप लोग कर भी रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का सपोर्ट हमारे लिए बहुत अच्छा है। और ये हमारा नीचे का रूम है जहाँ हम ब्लॉग बना रहे हैं, देख लीजिए ये हमारा घर है, नीचे हॉल है और यहाँ पे मतलब हम, मेरा रूम ऊपर है लेकिन ये नीचे का कमरा है, तो मेरा घर आप लोग को नहीं दिखाए हैं, एक दिन ब्लॉग बना के डालेंगे पूरा सब पूरा घर का अपना। मेरे घर में मेरी जेठानी है और जेठ हैं और 4 ननद हैं, पूरा फैमिली भरा पड़ा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस हम मतलब मेरे हस्बैंड नहीं हैं तो फिर मेरे ऊपर पूरा जिम्मेदारी लोग डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के हम भी संभाल लेंगे। आप लोग का सपोर्ट रहेगा गाइस तो हम ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन आप लोग का सपोर्ट ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब माता रानी की कृपा है, जितना माता रानी मेरे नसीब में जितना कष्ट लिखी होंगी वो तो मेरे नसीब में मिलेगा ही, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गाइस कुछ तो ये लोग के चलते मेरा नसीब ख़राब है तो हम का ही बोल सकते हैं, क्योंकि नसीब अपने से हम बनाए नहीं हैं लेकिन लोग बना दिया, बिगाड़ दिया है, तो बर्बाद हो ही चुका है, कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि भगवान किसी के साथ इतना गंदा सब सलूक न करे। एक इंसान जाने के बाद जानते हैं ज़िंदगी रुकती नहीं है, लेकिन रुकवाने वाले रोक देते हैं, हमारे परिवार जो है ना वो मेरे रोक दिए हैं,
आज ये लोग सही से मेरे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लोगों के पास पैसे कोई कमी नहीं, लेकिन हमको कोई कुछ नहीं देता, मतलब ना मेरे को ना मेरे बच्चा लोग को कोई कुछ नहीं कर सकता है।